और आपको मैं बता दूँ, टोटो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने तो पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, पर होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं शुरू। तो आज का ब्लॉग मैं 11:30 बजे से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि टोटो की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा टोटो, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। टोटो के बारे में मुझे सुबह पता चला जब मम्मी ने कहा मुझसे कि उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रखी है। तो कल से वो ऐसे भी खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही नहीं खा रहा होगा सुबह, लेकिन उसने वॉमिटिंग भी करी। तो उसको मैं तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, तो उसके लिए वहाँ से मैं दवाई ला रखा हूँ। तो थोड़ी बहुत दवाई तो मैंने उसको दे दी है, बाकी शैम्पू देनी है उसको। फिर उसकी पॉटी में भी थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो देखते हैं कब तक ठीक हो पाता है। तो इलाज तो मैं उसका पूरा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कह रखा है कि हर 1 घंटे में ग्लूकोज का पानी देना है उसको, तो पहले अच्छे जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर आज वो वॉमिटिंग वगैरह करेगा तो कल से उस पर इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, तो इंजेक्शन की नौबत ना आए और जल्दी ठीक हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है कि कहीं भागे ना। मैंने इसलिए लगा रखा है कि कालू और जॉली टोटो के पास ना जाए, क्योंकि बीमारी फैल सकती है एक से दूसरे में, तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए मैंने देखते हैं फिर आगे ब्लॉग में क्या क्या होगा। और आपको मैं बता दूँ, मेरी भी परसों से हालत ख़राब रखी, क्योंकि परसों मैच खेलने के लिए गए हुए थे साइड, तो एक साइड पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, पूरा बदन टूट रहा है मेरा। टोटो को वहाँ रखा हुआ था और खुद ही यहाँ पे बाहर पे रखा सोने के लिए। यह है अच्छे से, ये लगा दिया है मैंने अच्छे से। अभी फिर से टोटो पर छत में आ चुका है, तो देख सकते हो आप। और इंजेक्शन के ज़रिए मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रखा उसने 2 दिन से, और खाएगा नहीं तो बीमार ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा तो मैंने उसको खिला दिया है। और ग्लूकोज का पानी मैं उसको हर 1 घंटे में देते जा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:00 PM, नहा धो के मैं आ चुका हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि टोटो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो दिन में उसकी डेथ हो गई थी। तो आगे आप देख सकते हैं वीडियो में। जैसे मैंने सुना कि उसकी डेथ हो गई, आधा घंटे तक तो मैं रोता रहा। बचपन से ही काफ़ी अच्छे से पाला हुआ था, तो उसको मैंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, और थोड़ी देर के लिए मैंने उसको सामने में लेटा हुआ था वो, तो थोड़ी देर के लिए मैं नीचे खाना खाने के लिए गया हुआ। उतने में ही टोटो मर गया। कहीं भी रहता था तो एक आवाज़ देता था तो घर पहुँच जाता था, तो काफ़ी बुरा लग रहा मेरे को। मैंने तो पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, पर होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो ऊपर वाले को यही मंजूर था। जो सुबह उसको डॉक्टर के पास भी ले गया, घर में भी मैंने उसकी अच्छे से देखभाल करी। काफ़ी लोग उसको मारते भी थे, और बीच में बाइक वाले ने उसकी पूंछ के ऊपर बाइक चला दी, जिसके वजह से उसकी पूंछ भी कट गई थी आधा। टोटो के साथ मेरी काफ़ी सारी मेमोरी है, यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाली हुई हैं उसके साथ। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा आपको पता है वीडियो करने लाइक, चैनल करने सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।